गाइस, आज मैं आपके साथ एक प्रोडक्ट रिव्यू शेयर करने वाली हूँ, और वो जो प्रोडक्ट मैं आपको दिखाने वाली हूँ ना, वो कैरेट से बने हुए हैं, और इतने ज्यादा अच्छे प्रोडक्ट है ना, आपको क्या बताऊँ, बहुत ज्यादा अच्छे लगने वाले हैं आपको। इसी वजह से मैंने सोचा चलो आपके साथ ये प्रोडक्ट शेयर कर देती हूँ, ताकि आपको भी हेल्प हो जाए, आपको भी अगर ये स्किन के रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स है तो वो दूर हो जाए। जो भी मैं प्रोडक्ट दिखाने वाली हूँ वो कैरेट सीड से बने हुए हैं, और चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। तो वो है ये प्रोडक्ट, ये है न्यूड का कैरेट सीड्स फेस वॉश, एंड ये है न्यूड का कैरेट सीड्स हाइड्रेटिंग लोशन। तो ये दोनों भी प्रोडक्ट इतने ज्यादा अच्छे हैं ना, मैं कुछ दिनों से इसे यूज कर रही हूँ और मुझे इसका रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। और कैरेट होता ही है आपकी स्किन के लिए बेस्ट, तो इसी वजह से ये जो प्रोडक्ट है आपके स्किन के लिए बेस्ट प्रोडक्ट है। एक एक करके मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। ये है कैरेट सीड फेस वॉश, तो इसकी पैकेजिंग आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छी और रिच पैकेजिंग इसकी दी है, बहुत अच्छे कार्डबोर्ड बॉक्स की इसकी पैकेजिंग दी है। इसके अंदर ये आपको मिलता है, इसमें लिखा होता है कि कैसे कैसे यूज करना है, क्या क्या इसके फायदे है, ये सब कुछ, पर मैं आपको बता देती हूँ इसके फायदे। और इसके अंदर एक आपको बॉटल मिलती है इस तरह की, बहुत अच्छी क्वालिटी की पैकेजिंग दी है इसकी, और आप देख सकते हो इस प्रोडक्ट की आउटर पैकेजिंग पर भी बहुत ज्यादा ध्यान दिया है, और इस प्रोडक्ट की इनर पैकेजिंग पर भी बहुत ज्यादा ध्यान दिया है। इस तरह से ये अगर कैप लगा दोगे तो ये कितना भी आप प्रेस करोगे ना, तो ये ओपन नहीं होने वाला है, मतलब ट्रैवल फ्रेंडली पैकेजिंग है इसकी। और उसके बाद ये आप निकालते हो, और उसके बाद भी आपको इस तरह से आपको इसे घुमाना है, उसके बाद ये प्रोडक्ट आपके सामने ओपन होगा। और ये देखिए इस तरह से लाइट ऑरेंज कलर में, जैसे कैरेट का कलर होता है ना, उसी कलर का इसका फेस वॉश है, और उसी कलर का इसका लोशन है। बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव फेस वॉश है ये। और उसके बाद इसमें आपको ये पाउच मिलता है, मतलब ट्रैवल फ्रेंडली पैकेजिंग तो दी ही है, उसके साथ साथ ये पाउच भी दिया है उन्होंने। मतलब ये जो कपड़ा है वो पैराशूट का कपड़ा है, इसके अंदर आप अगर इस प्रोडक्ट को रखोगे ना, तो उसके बाद ये बिल्कुल लीक नहीं होगा, इसे आप अपने बैग में या अपने पर्स में कैरी कर सकते हो, और बहुत ज्यादा ट्रैवल फ्रेंडली पैकेजिंग है ये, आप कहीं पर भी लेके जा सकते हो इस प्रोडक्ट से, आपके दूसरे कपड़े या आपके बैग में जो भी सामान है वो खराब नहीं होने वाला है। तो इस तरह से इसकी पैकेजिंग दी है, ये तो हो गई पैकेजिंग की बात। अब आपको मैं बताती हूँ इस प्रोडक्ट के बारे में, ये प्रोडक्ट कैसे कैसे काम करता है, और ये प्रोडक्ट आपके स्किन के लिए क्या काम करेगा, कैसे आपकी स्किन के लिए ये प्रोडक्ट अच्छा है, ये मैं आपको सारा डिटेल में बताने वाली हूँ इसके बारे में। अगर आप ये दोनों प्रोडक्ट यूज करते हो तो ये जो फेस वॉश है आपके क्लिंजिंग का काम तो करता ही है, बट ये दोनों प्रोडक्ट आपके झुर्रियां भी कम करते हैं, उसके साथ साथ आपके रंगत को भी बढ़ाते हैं, मतलब आपकी स्किन इससे ब्राइट हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी, स्मूथ हो जाएगी इसको यूज करने के बाद। उसके साथ साथ आपके ये ड्राइनेस को कम करता है, दाग धब्बों को कम करता है, आपके फेस पे जो दाग धब्बे आते हैं पिंपल्स की वजह से उसे भी ये कम करता है, उसके बाद आपके पिगमेंटेशन को भी हटाता है। और ये जो दोनों प्रोडक्ट है अगर आप अपने स्किन केयर में ऐड करते हो इसे, तो आपके पिंपल्स को भी हटाएगा परमानेंटली, ये दोनों प्रोडक्ट उसे गायब कर देंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन दोनों प्रोडक्ट को यूज करने से आपकी स्किन का कलर चेंज हो जाता है, मतलब लाइट लगने लगेगी आपकी स्किन, और उसके बाद आपकी स्किन बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाएगी इसको यूज करने से। पहले आपको ये फेस वॉश यूज करना है, फेस वॉश से आपको फेस वॉश कर लेना है, उसके बाद आपको ये हाइड्रेटिंग लोशन यूज करना है। और इसकी भी पैकेजिंग सेम पैकेजिंग दी है, आउटर पैकेजिंग भी सेम है और इनर पैकेजिंग भी सेम है। इसे भी लॉक दिया है इस तरह से, अगर आप इसे टर्न करोगे तो ये ओपन होगा, और इसमें भी आपको ये लाइट ऑरेंज कलर का हाइड्रेटिंग लोशन मिल जाता है। अगर आप फेस वॉश करने के बाद इसे अप्लाई करते हो ना, तो बहुत ज्यादा हाइड्रेटेड रहने वाली है आपकी स्किन। और मेन बात यह है कि इन दोनों प्रोडक्ट को यूज करने के बाद आपकी स्किन ऑयल क्रीज नहीं करेगी, मतलब ज्यादा ऑयली नहीं लगने वाला है आपका फेस। और ऐसे ही प्रोडक्ट की हमें समर में जरूरत होती है, जो ऑयल क्रीज ना करें। ऑयली स्किन वालों के लिए ये प्रोडक्ट तो बेस्ट है ही, ड्राई स्किन वालों के लिए भी ये प्रोडक्ट बहुत ज्यादा अच्छे है, क्योंकि आपकी स्किन को हाइड्रेटेड रखते हैं, आपकी स्किन के ड्राइनेस को कम करते हैं। आपकी कोई भी स्किन टाइप हो आपको ये प्रोडक्ट सूट होने ही वाले हैं। फेस वॉश में भी आपको 300 ml क्वांटिटी मिल जाती है, और आपको हाइड्रेटिंग लोशन में भी 300 ml क्वांटिटी मिल जाती है। उसके बाद अगर इसकी प्राइस देखी जाए तो फेस वॉश की प्राइस 600 है, और जो हाइड्रेटिंग लोशन है उसकी प्राइस 650 rupees। इतनी प्राइस आपको इसकी देनी नहीं पड़ेगी, ये दोनों भी प्रोडक्ट आपको डिस्काउंट में मिल जाएंगे। इसका जो परचेस लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है आपके लिए। अगर आपको नहीं पता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ होता है, तो मेरे टाइटल पे क्लिक करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा, और वहां पर आपको इसके लिंक्स मिल जाएंगे। तो उस लिंक पे क्लिक करके आप इन प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हो। जैसे आप इन प्रोडक्ट को यूज करने लगोगे तो इसका रिजल्ट आपको धीरे धीरे देखने के लिए मिली जाएगा। आपकी ये सन टैन को भी हटाएगा, और उसके बाद आपको टैनिंग से भी बचाएगा, मतलब सनस्क्रीन का भी काम करेगा आपके लिए।
तो और कैरेट तो आप सभी को पता है कि कैरेट कितना अच्छा होता है आपकी स्किन के लिए, तो इसी वजह से ये जो दोनों प्रोडक्ट है आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छे होने वाला है, आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है। आप इसे जरूर ट्राई करके देखिए, आपको बहुत ज्यादा अच्छे लगने वाले हैं। और इसे यूज कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपको यूज करना है फेस वॉश, और ये जो लॉक होता है वो आपको रिमूव कर देना है। उसके बाद आपको इसे टर्न करना है और आपके हथेली पर ले लेना है। उसके बाद आपको हथेली को इस तरह से रब करना है और आपको फेस पे मसाज करनी है। थोड़ा 5-6 सेकंड आपको इससे आपको फेस पे मसाज करनी है। उसके बाद आपको फेस वॉश कर लेना है, और इसमें झाग नहीं आएगा क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है वो केमिकल फ्री प्रोडक्ट है और उसके बाद नेचुरल इंग्रेडिएंट से बने हैं, तो इसी वजह से इसमें झाग नहीं होगा। जिसमें भी झाग नहीं होता है तो तभी समझ जाना कि उसमें बिल्कुल केमिकल ऐड नहीं है। तो ये जो दोनों प्रोडक्ट है वो केमिकल फ्री प्रोडक्ट है, इसी वजह से आप इसे बिंदास यूज कर सकते हो। कोई भी स्किन टाइप वाले हो इसे यूज कर सकते हो। फेस वॉश करने के बाद आपको यूज करना है हाइड्रेटिंग लोशन। इसे भी इस तरह से इसकी कैप रिमूव करनी है, उसके बाद आपको इसे टर्न करना है और प्रोडक्ट आपके हाथ में ले लेना है। और उसके बाद आपको इसे अच्छे से मसाज करनी है आपके फेस पे, बस थोड़ी देर मसाज कर लेना है और इसे छोड़ देना है। आपको बिल्कुल भी ये चिपचिपा नहीं लगेगा, बिल्कुल भी ये ऑयल क्रीज नहीं करेगा। इसी वजह से ये प्रोडक्ट मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि ये ऑयल क्रीज नहीं करता, और इस टाइम में हमें ऐसे ही प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है जो ऑयल क्रीज नहीं करते हैं, ऑयली नहीं लगते, चिपचिपे नहीं लगते हैं, एब्जॉर्ब जल्दी हो जाता है और आपकी स्किन को हाइड्रेटेड रखता है। इसी वजह से इसका जो नाम है वो हाइड्रेटिंग लोशन है। इन दोनों प्रोडक्ट को आपको यूज करके देखना चाहिए एक बार, आपको बहुत ज्यादा अच्छे लगेंगे, आप इसे कंटिन्यू करने ही वाले हो। आई होप गाइज आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो, थोड़ा सा भी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो ना तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ताकि उनको भी हेल्प मिल जाए, उनको भी ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स हो स्किन के रिगार्डिंग तो उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल होने ही वाला है। आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना, और हाँ आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। उसके बाजू में जो बेल आइकन आएगा उसे क्लिक करना मत भूलिएगा, उसको ऑल पे क्लिक करना ताकि मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और उसे आप सबसे पहले देख पाओ। और हाँ मेरे इसके साथ दो और चैनल है, आप चाहो तो मुझे वहां पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहो तो मुझे वहां पर भी फॉलो कर सकते हो। एक बार जरूर चेक कर लेना, आपको पसंद आएगा, आप मुझे वहां पर भी फॉलो कर सकते हो। बहुत अच्छे अच्छे पिक्स और रील्स मैंने अपलोड किए हैं वहां पे, तो वहां पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय।